बुधवार को बस स्टैंड क्षेत्र स्थित श्री राम मंदिर में अयोध्या से पहुंचे पूजित अक्षत कलशों को 219 मंदिरों से आए भक्तों के बीच वितरित किए। जोड़े से भक्त कलश लेकर अपनी बस्तियों में पहुंचे हैं। 219 कलशों को सिरोधार्य कर जब महिलाएं शोभा यात्रा के रूप में निकली और शामिल सनातनियों ने जब एक स्वर में जय श्री राम का जय घोष किया तो समूचा क्षेत्र राममय हो गया। राधा गोपीनाथ मंदिर की भजन मंडली द्वारा गाए जा रहे सुमधुर भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। हजारों की संख्या में जुटे सनातनियों के हाथों में लहराते भगवा ध्वज के बीच श्री राम दरबार के रूप में बग्घियों में सजे नन्हे बच्चे कलश यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहे। कलश यात्रा में शामिल त्रिलोक दंडीर बबलू पाल अजय रघुवंशी ने बताया कि उक्त पूजित अक्षत कलश अयोध्या मंदिर 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह के आमंत्रण स्वरूप पहुंचे हैं। यह कलश आज 219 बस्तियों के मंदिरों में कलश यात्रा के रूप में पहुंचाए जा रहे हैं, जहां से गुरुवार को कलशों में रखे गए अक्षतों को बस्तियों में निवासरत सनातनियों के घर घर आमंत्रण स्वरूप पहुंचाए जाएंगे। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला पुरुष बच्चे युवा उत्साह के साथ शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। Thank you.
दृश्य तो ऐसा है कि अभी पांचों द्वार से पुण्य की लड़ाई क्योंकि भगवान श्री राम एक टेंट में बैठे थे। आज भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपनी स्थायी जगह राम मंदिर भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। 22 तारीख को भव्य राम मंदिर का शुभारंभ है और हमारे श्री राम जी आज अपने स्थान पर विराजित होंगे। आज पूरा शहर, पूरा खरगोन शहर, एक एक बच्चा बच्चा आज अक्षत लेने श्री राम मंदिर धर्मशाला में पधारा है और सभी अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने मंदिरों में अक्षत लेकर जाएंगे और घर घर जाकर, एक एक घर जाकर अक्षत देंगे, उन्हें निमंत्रण देंगे कि हमें 22 तारीख का दीपावली नहीं, दीपावली से और 4 गुना उत्साह पूर्ण दीपावली मनाएंगे। बस अजय रघुवंशी भाऊ वर्ष पश्चात हम सबके लिए बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे प्रभु राम जी वापिस अयोध्या जी बता रहे हैं। उसी के दरमियान यहाँ पे जो अक्षत कलश आए हैं अयोध्या जी से, वो यहाँ से फिर अपने सभी मंदिरों में खरगोन के वितरित किए जाएंगे कलश यात्रा के माध्यम से, और उसके बाद फिर वहाँ से मंदिर में से आज रात्रि को रखे जाएंगे और फिर कल से सभी घर पे निमंत्रण दिए जाएंगे अयोध्या जी जाने के लिए सभी के लिए, और ये इसी यात्रा और ये कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। बोलिए ये यात्रा अब यहाँ से सभी पूरा खरगोन में अपने अपने मंदिर में अपने अपने समाज में जाएगी, अपने अपने कलश लेके सभी अपने अपने स्थान पर पहुंचेंगे और वहां से अक्षत कलश कल से वितरण किए जाएंगे सभी परिवार में, हर परिवार को आमंत्रित किया जाएगा। ये संदेश प्रभु राम जी की तरफ से सभी को दिया जाएगा कि सभी लगाते में रुझू एक रहे और हमेशा इकट्ठे रहे और अपने अयोध्या जी पावन धाम की एक बार जरूर यात्रा करें और सभी मिलजुल करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।